हेलो एवरीवन, माय सेल्फ अंकुश गुप्ता, आई एम एन एजुकेटर। मेरे साथ है यास्का, जो कि एक एडटेक लीडिंग एडटेक कंपनी में काम करते हैं, ही इज आल्सो एन एजुकेटर। एंड पंकज, जो कि रेगुलर है हमारे साथ में, ही इज अ डिजिटल मार्केटर। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट एडटेक्स, कि एडटेक्स क्या है और उसके बारे में क्या क्या अच्छी बातें हैं, क्या क्या बुरी बातें हैं, वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम स्टार्टिंग विद यास्का। यास्का, कैन यू डिफाइन व्हाट इज एडटेक फॉर यू? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडटेक? एडटेक का ना डेफिनेशन बहुत ब्रॉड है। हर कंपनी अपना एडटेक डेफिनेशन को डिफाइन कर लेते हैं, मतलब नॉट अ कंपनी, लाइक एवरी इंडिविजुअल स्टार्ट। लाइक मैं जब पढ़ाना चालू किया था, आई वाज टीचिंग इन अ कंपनी, आई वाज टीचिंग केमिस्ट्री, तो हम लोग दूसरा शहर जाके पढ़ा देते, वी हैड अ सेंटर देयर। हमको लगता है यार इतना दूर क्या जाएंगे हर रोज, तो उनको हम जूम क्लासेस चालू किए। सो आई कैन डिफाइन दैट एज एड टेक बिकॉज़ आई वाज यूजिंग जूम प्लेटफॉर्म फॉर टीचिंग, डेफिनेटली ना, वो एक एडटेक हो गया। बट इन अ ब्रॉड डेफिनेशन, व्हेनेवर आप लाइक स्मार्ट बोर्ड्स हैं, स्मार्ट बोर्ड भी एडटेक ही है, राइट? जब पे टीचर एक बोर्ड में काफी कुछ सिखाने के लिए, वो भी एडटेक है। एंड इफ यू, वो तो करीब 2011 से इट इज स्मार्ट बोर्ड्स आर एग्जिस्टिंग, दैट बट द प्रेजेंट डेफिनेशन ऑफ एडटेक जो आ रहा है वो ये है कि ऑनलाइन टीचिंग मेथोडोलॉजीज यूज करके बच्चे को एडुकेशन लेके आ रहा है। दैट इज द प्रेजेंट डेफिनेशन ऑफ एडटेक इज व्हाट आई बिलीव। ओके पंकज, यू वांट टू ऐड समथिंग? हाँ, एडटेक के साथ में जो मेरा इंट्रोडक्शन था, वर्ड के साथ में इंट्रोडक्शन, इट केम आफ्टर द लॉकडाउन। Only like huge companies started talking about the technologies and education, evolution in education. So hum log edtech lekar ke aa rahe hain. Before that we used to call that e-learning. So maine do teen solutions pe kaam bhi kiya tha. So we had few clients jinhone is tarah ke solutions online shuru kiye the, jinme ek to wo test papers liya karte the online, jo bahut time se chal raha hai. And second part is some of them started taking lectures online. वहाँ से मुझे ऐसा लगता है, जो मेरी समझ है, जो यास्का ने भी कहा कि या the technology was always there, not always but from a long time, but बहुत time से थोड़ा थोड़ा technological part education में use तो हो ही रहा है। उसको पूरी तरीके से define करना e-learning और edtech में जो difference है, वो मेरे हिसाब से ऐसा है कि e-learning is just कि मैं भी जाकर के पढ़ सकता हूँ, तो वो मेरे लिए e-learning हो गई, मैं इंटरनेट पर कुछ सर्च करके पढ़ रहा हूँ, that is learning from internet, that's e-learning. EdTech is a solution which is providing you education, second providing you solutions for your problems and providing you an analysis, a detailed analysis of the problems and your examination type, your education type, your study type, that तुम्हारे इस particular subject के अंदर इतना time लग रहा है, इस question में इतना time लग रहा है, तो एक पूरा solution provide कराना is called EdTech. That's what EdTech is for me, from the marketing point of view, if I talk about. अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे लगता है कि टेक के बिना तो हम लोग एक्चुअली 20 साल से टेक इज देयर, एंड स्पेशली आफ्टर द जियो इज देयर 2016 से। मतलब जब मैं कोचिंग्स में भी पढ़ा रहा था तो वहां जाके मैंने देखा कि बहुत सारे कोचिंग वालों ने अपने वीडियोस बना रखे। इवन बिफोर कोचिंग आई स्टार्ट, व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो नेपटेल से मैंने काफी पढ़ाई करी है, वो प्रॉपरली एट दैट टाइम इट वाज लाइक कि यार प्रोफेसर्स का समझ नहीं आता, उधर जाके किसी का समझ आ रहा है तो देख लो, पूरा लेक्चर कर लो, दैट वाज एडटेक फॉर मी। उसके बाद मुझे जो आज का डिफरेंशिएटर पॉइंट लगता है वो ये है कि यार एवरीवन इज इनटू टेक्नोलॉजी आफ्टर कोरोना, सब टेक्नोलॉजी में, ऑफलाइन भी जितने लोग हैं, स्कूल्स भी हैं, कोचिंग्स भी हैं, सब लोग टेक्नोलॉजी में। तो द डिफरेंशिएटर है कि जो मुझे लगता है आप टेक्नोलॉजी कितना ज्यादा यूज कर सकते हो, जो ज्यादा यूज कर रहे हैं दे आर आई गेस एडटेक, जैसे आपने भी कहा कि यार ई लर्निंग और एडटेक में एक डिफरेंस। आज की तारीख में वीडियो बनाना है ओके, कोई भी बना सकता है, बट मेरे को नहीं लगता कि मेरे को उसको एडटेक की कैटेगरी में डालना चाहिए फ्रॉम टूडेज परस्पेक्टिव, क्योंकि वो तो नेसेसिटी हो गई। तो अगर आप टेक्नोलॉजी का जितना ज्यादा यूज कर पा रहे हो, जो बड़ी कंपनीज है वो बहुत आगे लेवल तक जाके पता नहीं क्या क्या कह रही है, एंड वी आर वर्किंग इन अ कंपनी, तो हम देख भी पा रहे हैं कि यार ये चीजें हो रही हैं, तो वो बहुत बड़ी चीज है। तो जितना ज्यादा आप टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हो टूवर्ड्स, मतलब एड टेक में, जैसे मुझे लगता है एड ईडी और टीसीएच जो है वो बड़ा है, तो टेक जितना बड़ा होता जाएगा वो एड टेक की तरफ मूव करता जाएगा, ईडी जो है वो छोटा ही रहता है। तो
ठीक है, नेक्स्ट पर्सपेक्टिव उठाते हैं, एडटेक वर्सेस जो ऑफलाइन है, तो आपको लर्निंग पर्सपेक्टिव से क्या लगता है, लर्निंग पर्सपेक्टिव से आप क्या फील करते हैं कि एडटेक और ऑफलाइन जो है डायरेक्ट वन टू वन लर्निंग या वन टू मैनी भी बट डायरेक्ट है फिजिकल है, तो यास्का आप बताएंगे व्हाट डू यू फील? मेरा ये है कि ऑफलाइन जो टीचिंग होता है राइट, हम क्लास जाते हैं, टीचर के सामने बैठते हैं, टीचर सिखाता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो जो इंटरेक्शन है टीचर के साथ एंड द इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट हम बात करते हैं, डाउट पूछते हैं, वो बहुत जरूरी है फॉर द स्टूडेंट्स साइकोलॉजिकल यू नो इमोशनल ऑल दैट, वो बहुत जरूरी है। नहीं तो हम घर में बैठ के मुझे एक ही दिखता है, मेरा कैमरा बस, मेरा लैपटॉप और कुछ नहीं, और मैक्सिमम मेरे मम्मी पापा सब लाइक माई मदर, माई मदर ना टीचर है, एलकेजी यूकेजी टीच करते हैं। ओके, समझ लो दो साल एलकेजी यूकेजी बच्चे को एबीसीडी और वर्ड ऑनलाइन सिखाया मतलब कहाँ से सीखेंगे, मतलब कौन सिखाएगा उसको एबीसीडी, मान लो उनका पेरेंट्स अनएजुकेटेड है तो उसका तो गया ना, मतलब देयर इज नो वे सीख सकेगा, मतलब कितना, मतलब हम पेरेंट्स को कितना भी सिखा पाएंगे, पेरेंट्स उनका अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, घर देखना होता है, काम करना होता है, बच्चा को देखना होता है, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो मैं जो बोलता हूँ, जो बच्चे हैं लाइक बिलो फाइव ईयर्स, उनको ऑफलाइन एजुकेशन की बहुत 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 जरूरत है, बट एज यू ग्रो क्या होता है, टीचर स्टूडेंट रेशियो जो है वो कम होने जाता है, मतलब एक टीचर का क्लास 50-60 बच्चे हो जाते हैं, इंडिविजुअल अटेंशन देना मुश्किल हो जाता है राइट, तब जाके हर एक बच्चे को अपना अपना स्टाइल में पढ़ाई होता है, अपना अपना फास्ट स्पीड ऑफ लर्निंग होता है, अपना अपना समझ आने की लर्निंग होता है, एवरीबडी का डिफरेंट पेस, तो ये पेस को एक टीचर को या दो या तीन टीचर को मैच करना इम्पॉसिबल है। कमिंग फ्रॉम अ फाइनेंशियल स्टैंड पॉइंट, एनी स्कूल कैन नॉट मेक इट पॉसिबल कि भाई एक बच्चे को एक स्टूडेंट देते, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो पर्सपेक्टिव, इफ एटेक कैन ब्रिज दैट गैप, तब जाके हमको एक काफी पड़ेगी, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि यार बच्चा स्कूल ही नहीं जाएगा बैठ के ऑनलाइन पढ़े, वो तो पॉसिबल ही नहीं, मतलब अभी तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ यार, मैं तो 5 साल जाके मुझे लैब समझ में नहीं आया, ये बंदे लोग मैन्युफैक्चरिंग ऑनलाइन कैसे कर रहे हैं, बट एडटेक हैज टू फिल कुछ कुछ गैप्स जहाँ पे टेक्नोलॉजी में, वो गैप्स फिल करने से आई थिंक दैट्स माय पर्सपेक्टिव कौन सा जाए, मैं आई कैन नॉट टेक वन साइड इज व्हाट। ओके, या आई समवट एग्री विद यास्का हियर, भाई लास्ट ईयर आई वर्कड फॉर अ न्यू स्टार्टअप व्हिच वाज ई लर्निंग प्लेटफॉर्म और एडटेक प्लेटफॉर्म फॉर प्री स्कूलर्स, सो एलकेजी यूकेजी नर्सरी, सो शुरुआती जो 3 to 6 years of education of age of your kid, तो वो उस पे काम कर रहे थे जिसके अंदर वो बच्चे को अल्फाबेट सिखाना और नंबर सिस्टम सिखाना और शुरुआती जो प्री स्कूलिंग होती है वो सिखाना, सो आई लिटरली अंडरस्टूड और somehow I thought that the market or these startups have misunderstood the technology as well, like they here we used to talk about screen time as we were talking before this audio that for some people do not want kids to keep looking at screen, and since the COVID came and lockdown, after lockdown almost every student was learning through laptop and the screen time gradually increased for like from 1 to 2 hours to almost 6 to 7 hours every day or more than that as well. Stats ke hisab se laptop se bhi zyada mobile use kar rahe the actually bachcha, that's like wo zyada khatarnak hai aur choti screen hai. अब कहीं ना कहीं हम वही चीज हम 1.5 से 2 साल के बच्चे पे शुरू करना चाह रहे हैं, और दूसरा वो बच्चा जो एक जगह टिक करके बैठना ही नहीं जानता, एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट करना ही नहीं जानता, उसको सिखाने के लिए हर चीज रिपीट करके बताना पड़ता है, उसको डांटना पड़ता है तो वो कोई चीज नहीं करे, और वो चीज वो सोच रहे हैं कि स्क्रीन पे देख करके बच्चा सीख जाएगा, तो मुझे संभव लगता है कि इट्स नॉट अ वाइज डिसीजन टू jump on edtech like that. I agree with Yaska there. But at the second point, where you said, that everything cannot be online, like mechanical labs and civil labs,
So you need to go to a laboratory to understand how welding goes, how filing goes, and how our fluid mechanics practicals used to go. But there, I think EdTech is right now lacking. They are not thinking about how students should learn the practical perspective of education when they are going technical. They thought, they think that people will understand this or somehow they will go through this, or maybe the old technology that jab wo job mein jayega to wo apne aap seekh jayega ye cheez. So ye problems abhi bhi EdTech ke saath hai, that they are not thinking it through ke MBA wale bacche ko through screen tum sab kuch nahi sikha sakte, ek engineering wale bacche ko through screen sab kuch nahi sikha sakte, you need a personal touch for that. मुझे पर्सनली मतलब हाँ, इट्स नॉट जस्ट एलकेजी यूकेजी, मतलब मेरे पास 11th के बाद जब 12th का भी क्राउड आया था, तो मतलब इवन कोविड के अंदर मैंने एक साल कोचिंग इंडस्ट्री में काम किया, तो आई नो दैट फैक्ट कि 12th का जो क्राउड मैंने देखा, दैट वाज द लाइक जो इन जनरल मैं देख रहा हूँ, एवरेज क्राउड वाज लाइक जो हर साल आता है, मैंने कहा यार इससे घटिया, जो नॉर्मली टीचर्स बोलते हैं हर क्लास में, इससे घटिया बैच मैंने नहीं पढ़ा, बट दैट वाज एक्चुअली कि यार ये मिनिमाइज आ सकता है कि उससे घटिया बैच मैंने नहीं पढ़ा है, कि यार कुछ नहीं आता है इनको, पूरा 11th गायब है उनका. सो एक बार मेरा एक डिस्कशन चल रहा था अपने एक अच्छे फ्रेंड से, तो ही से मतलब ये दैट वॉज बिफोर कोरोना, सो ही टोल्ड मी वन थिंग कि यार ये टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आ जाएगी, तो पहले थिएटर्स चलता था, तो थिएटर जब चलते थे तो यहाँ पे हर किसी के पास ऑप्शंस नहीं होते थे, वो जाके थिएटर में देखता था, बट नाउ आई कैन सी टॉम क्रूज, आई कैन सी अमिताभ बच्चन, तो आई डोंट गो टू थिएटर्स, आई गो टू मूवी हॉल. तो सेम थिंग विल, मतलब वो उसका पॉइंट बता रहा हूँ मैं, सेम थिंग विल हैपन विद एडटेक ऑल्सो, कि यार अगर मैं बेस्ट टीचर से पढ़ सकता हूँ तो मैं अपने गली के लोकल टीचर से क्यों पढ़ूंगा. मैंने उसको उस पॉइंट पर टोका था, मैंने कहा यार यू आर डिफरेंशिएटिंग बिटवीन एंटरटेनमेंट and learning, मतलब there is a differentiation between entertainment and learning. Entertainment मुझे जहाँ best मिलेगा मैं उधर चला जाऊँगा, but जहाँ पे learning की बात आ जाती है, वहाँ पे हमेशा दुनिया का best learner आपके लिए best हो, दुनिया का best teacher आपके लिए best teacher हो, वो जरूरी नहीं. मतलब अगर सचिन तेंदुलकर अभी आया भी है, अभी recent आया Unacademy पे, if you are seeing कि Unacademy icons करके एक नया आया कि सचिन तेंदुलकर will teach cricket on Unacademy. राइट सो और मैं नीचे मीम्स देख रहा था उसके जस्ट की नीचे, तो नीचे एक बंदे ने मीम किया कि यार उसका बेटा जिंदगी भर उसके साथ में रहा, वो अभी तक नेशनल टीम में नहीं सेलेक्ट हो रहा है. दैट वाज डिमीनिंग, आई एम नॉट सपोर्टिंग दैट, बट और वो आके आपको ऑनलाइन सिखा रहा है और बच्चे सीख के आप सोचते हो आईपीएल या क्रिकेट टीम में सेलेक्ट हो जाएगा इंडिया की. सो मुझे पर्सनली लगता है कि हाँ यार पर्सनल टच शुड बी देयर. और उसके साथ एक खतरनाक बात भी लगती है कि यार जो अभी के सिनेरियो में है कि बच्चों को जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी आपने दे दिया ना, वो एजुकेशन के लिए यूज करेगा उसकी कोई गारंटी नहीं. हम खुद इंस्टाग्राम खोल के देखते हैं तो हम मैं पक्का जानता हूँ, जैसे करीब 2015-16 में बायजूस एकदम एक्सप्लोड हुआ था ना टैब्स कैट प्रिपरेशन के लिए, सो माय फ्रेंड इज प्रिपेयर फॉर कैट, तो कैट नहीं सॉरी यूपीएससी प्रिपरेशन करता था, तो यूपीएससी का टैब लेके आए थे, पूरा सब हटा दिया उसमें से, अपना 2000 रुपए में उसको टैबलेट मिल गई. हटा दो उसका पेरेंट्स सोच रहे हैं ना यूपीएससी प्रिपेयर कर रहा है ये बंदा, चिल मार रहा है. तो वही है कि आपने, क्योंकि मुझे लगता है कि एक बटे हो, जैसे पंकज ने आपने कहा कि यार बैठना सिखाना, कि बच्चा एक जगह टिक के बैठे, इवन टीनेज तक मुझे लगता है कि यार बच्चा जो है वो मेंटली ऐसे बहुत ज्यादा ऐसे स्टेबल होके नहीं बैठ सकता, उसको चाहिए कुछ ना कुछ कीड़ा करने के लिए. मैं नहीं बैठ सकता, दिस इज नॉट, ये जो है ना जो कॉन्सेंट्रेशन टाइम है ये, मतलब मैं मुझे कंपेयर करूं, हम लोग जब पढ़ते थे हम लोग टीचर बोलते यार बैठो, हम लोग बैठ जाते थे, मतलब एक घंटा लाइक हम आई स्टडीड इन नारायणा, हमारा क्लासेस 3 घंटे का होते थे, 3 घंटा जो है मे बी आई मे नॉट बी फुल्ली 3 आवर्स अवेक, बट हम 3 घंटे पढ़ते थे, या तो पढ़ना या तो सीखना, कुछ ना कुछ तो होता था. अभी मैं जब कोचिंग चालू किया लाइक वन आई वाज टीचिंग, भाई लोग 1 घंटे क्लास में ना उनको सर ब्रेक दे दो थोड़ा सा, बस 5 मिनट दे दो, एक
मतलब उनका कॉन्सेंट्रेशन टाइम है ना, मैं ऑनलाइन छोड़ो ऑफलाइन में जनरेशन कॉन्सेंट्रेशन टाइम है वो कम होते जा रहा है, इसलिए टेस्ट मैचेस हो गया T20, आई थिंक वन और मैच भी आ जाएगा थोड़ी देर एक दो साल नॉट ओनली कॉन्सेंट्रेशन टाइम हियर यू कैन से अ लॉट ऑफ थिंग कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंस आल्सो गेटिंग लो, क्योंकि स्कूल में अगर हम पढ़ते थे या जब कोचिंग की बात कर रहे हैं तो 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लास के हिसाब से आपको लू जाना होता है या पानी पीना होता था, तो वो जो क्लास ब्रेक्स होते उनके बीच में होता था, यू कैन नॉट गो ड्यूरिंग द क्लास। अब क्या है कि भाई ठीक है बीच में पानी उठ करके किचन में जाके पानी पी लिया, खाना भी खा लिया, लू भी चले गए, क्लास चल रही है चल रही है। तो समवेयर आई थिंक वो जो कंसिस्टेंसी होती है और जो एक एजुकेशन का एक पैटर्न होना चाहिए जो आपको पूरी लाइफ एक डिसिप्लिन सिखाता है, दैट अटैक माइट नॉट बी एबल टू टीच स्टूडेंट्स। क्योंकि जैसा 4.5 घंटे क्लास स्कूल के अंदर बैठना ही होता था, जब मैं कोचिंग गया तो मुझे ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की 3 क्लास लेनी है तो लेनी ही पड़ती थी। अभी अगर कोई क्लास के टाइम पर मुझे सोना है, मैं अपना लैपटॉप ऑन करके सो जाऊंगा तो सो जाऊंगा, मुझे कौन रोक सकता है। और ऊपर से होता है मैं थोड़ा ऐसा कर दिया ना, मम्मी अगर ये बच्चा सो रहा है ठीक है यार कैमरा ऑफ कर दो सो जाओ थोड़ी देर, मम्मी आके बोले तुमने तो नहीं बोल सकता था, ये बात है। मतलब ये तो आप सही कह रहे हो, मेरे पास तो टीचर्स के पेरेंट्स आते थे मेरे पास में, 3 घंटे की क्लास मैं जिधर पढ़ाता था वहां पे भी 3 घंटे का लेक्चर होता, तो पेरेंट्स आके बोलते थे सर हमारा बच्चा 3 घंटे कैसे बैठेगा, मैं कहा एग्जाम में भी तो बैठना है उसको एग्जाम भी 3 घंटे का ही होता है। मैं ये भी सोचता हूँ यार अभी 1.5-2 घंटे की क्लास लेना, मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। लाइक अंकुश नोज के मेरा डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट भी था, तो मैं 2 घंटे की क्लास लिया करता था और ऑलमोस्ट वो 2 घंटे की क्लास मतलब मेरे कोर्स के अंदर 4 महीने के कोर्स में मेरी 2 महीने क्लास मेरी चलती थी, 2 महीने मेरे फ्रेंड की चलती थी। मैंने कॉलेज के 200 स्टूडेंट्स को भी साथ में पढ़ाया हुआ है और क्लासरूम के अंदर 10-15 स्टूडेंट को भी एक बार में पढ़ाया हुआ है। मैं 2 घंटे बोल सकता हूँ, बट मुझे अगर फोन के सामने या लैपटॉप के सामने बोलने के लिए वो ही टॉपिक दोगे ना, मैं 20 मिनट में खत्म करके चुप हो जाता था कि अब क्या करूं। टीचर पर्सपेक्टिव somehow I cannot connect with the guys that they are getting or not, तो मैं कहाँ स्लो डाउन होना है, कहाँ मुझे अपना पिच अच्छा करना है, कौन से टॉपिक को मुझे ज्यादा इलेबरेट करना है, वो मुझे समझ में ही नहीं आता। मुझे पता ही नहीं चला कि यार कोई टॉपिक मैं जल्दी जल्दी खींच गया लेकिन स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आई कैन नॉट कनेक्ट विद देम, आई कैन नॉट लुक इन टू देयर आईज कि यार ये देख रहे हैं कि यार पोते उड़ रहे हैं ऊपर से जा रहा है सब। सो समवेयर फ्रॉम द टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो मुझे लगता है कि मेरे सामने जब तक स्टूडेंट नहीं होंगे आई एम नॉट अ ग्रेट टीचर इन दैट वे। मुझे हुआ था मैं जब पढ़ाता था, सो हम लोग बैंगलोर से मैसूर जाके पढ़ाते थे, उधर एक कॉलेज था, तो हम मतलब 5 दिन ट्रैवल करना, एवरी डे एक टीचर ट्रैवल करते थे इधर से उधर, बहुत मुश्किल होता था। तो सोचा कि यार जूम क्लास ले लेते हैं, तो जो मिक्स ऑफ ऑनलाइन ऑफलाइन है ना ये अच्छा होता था, क्योंकि आई नो द स्टूडेंट, हमारा पर्सनल कनेक्ट है, और जब ऑनलाइन आता है जैसे वो कैमरा ऑफ करते है बोला भाई क्या कर रहे हो है ना, और उसका जो चेहरा देख के समझ में आता बंदा को समझ में आएगा, नहीं आया इमीडिएटली। सो द मिक्स जो है ना, टेक्नोलॉजी यूज किया मैं कन्वीनियंस के लिए बट ऑफलाइन भी पढ़ा रहा हूँ मैं जाके, तो मिक्स जो है ना आई थिंक ये सेट होगा टीचर के लिए। तो यू आर लाइक कि हाइब्रिड होना चाहिए कुछ कुछ, जिसके लिए बात भी हो रही है कि हाइब्रिड मॉडल इज गोइंग ऑन एवरीवेयर। अभी जो बात चल रही है लेटेस्ट, एवरीवन लाइक हाइब्रिड मॉडल पे काम चल रहा है, सब का हो गया। मतलब बायजू ने जब आकाश को खरीदा था तो लोगों का बहुत सारे, मैं कई लोगों से बात करी तो सबका ऐसे था यार इन्होंने फंडिंग तो उठा ली ऑनलाइन बोल के और अब ऑफलाइन इंस्टीट्यूट खरीद लिया, तो घूम फिर के आ तो गए ऑफलाइन के अंदर। No, somewhere they are going into the right path. Maybe like right now they are not at the right place, but they know what the future is and what actually the demand is. क्योंकि इतनी funding के बाद में जो उन्होंने actually think tank बनाया होगा, उसने कम से कम अगले 5-7-10 साल का plan तो किया ही होगा। Obviously. वो जो चीजें आगे निकल के आती हैं, उन्हें पता है what the challenges are and how the things are going to be after COVID situation ends. तो उन चीजों को पूरी तरीके से मर्ज करने के लिए एंड फ्यूचर को पूरी तरीके से होल्ड करने के लिए उनको वो चीजें करनी है, इसीलिए आकाश को उन्होंने लाइक परचेज किया है, रिटेन उसने एक्वायर किया है।
I think hybrid system will be a better and you can say will be the demand of the future according to. ठीक है तो लेट्स डिस्कस अबाउट फ्यूचर कि मतलब अब फ्यूचर वाली बात छेड़ दिया तो लेट्स डिस्कस सो यस का व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल बी द फ्यूचर लाइक आफ्टर लाइक 5-10 इयर्स फ्रॉम नाउ वेयर डू यू सी देखो अभी ये ऑनलाइन जैसे आ गया एक मतलब मैं दो पर्सपेक्टिव से बात कर एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से एक टीचिंग पर्सपेक्टिव से मतलब टीचिंग मतलब टुगेदर स्कूल प्लस पेरेंट्स प्लस एवरीवन सो इस पर्सपेक्टिव से देखेंगे ना द कंपटीशन बार ना बढ़ गया ऊपर कि मैं टीचर हूँ मैं पढ़ाना चाहता हूँ पहले मैं इवन इफ आई एम इनकम्पिटेंट मतलब मैं जाके बस क्लास में टेक्स्ट बुक पढ़ के आ गया अभी नहीं चलेगा क्योंकि बच्चे को पता है ये नहीं है तो दूसरा है ये है डेफिनेटली बट इसका प्रॉब्लम ये भी है कि हमारे दिमाग में ना मतलब साइकोलॉजिकली एक होता है हाँ इफ आई डोंट गिव इम्पोर्टेंस टू दिस बोला हाँ यार वो है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस पार्ट बट मैं मुझे लगता है एडटेक कहाँ पे रियली हेल्प कर सकते मैं जैसा बोला था पहले गैप करना टीचर को इक्विप करना टूल्स के साथ कि बच्चे को कितना अच्छे समझ पाए सो दैट उसको पर्सनलाइज्ड स्ट्रक्चर दूं क्योंकि अभी जो जनरेशन गैप आया है एक ही क्लास में एक बच्चा होता है वो ना सोच रहा होता है भाई ना मैं क्या इन्वेंशन बनाऊं मुझे एलन मस्क बनना है दूसरा बच्चा होता है यार मुझे कुछ नहीं करना मुझे चिल मारना है बस इतना गैप है पहले भी था अभी ये गैप ना बहुत ब्रॉडन हो गया है कुछ बच्चा होता है मुझे ना स्टार्टअप करना है मुझे पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करना है मुझे बताओ मैं पूछता था सर बताओ हाइड्रोजन कार कैसे बनाना है एट क्लास बच्चा मुझे पूछा था बोला यार मैं तो जानता ही नहीं हाइड्रोजन कार क्या होता है रिसर्च किया भाई हाइड्रोजन कार क्या होता है उसको 4-5 पेपर दिया भाई ऐसा ऐसा है फिर जाके ना वो कुछ मॉडल वॉडल बनाया नेक्स्ट एक साल में तो ऐसा बच्चे होते हैं कुछ बच्चे होते हैं बस मुझे ना निकलना है अभी भी कुछ बच्चे भाई मुझे इंजीनियरिंग तो ब्रॉडनिंग है ना जो स्पेक्ट्रम इतना ब्रॉड हो गया है कि एक टीचर एक क्लास में सबको कैटर करना बहुत मुश्किल है तो एडटेक जो है ना ये जो मे बी थ्रू टेस्ट साइकिल जो भी है ये समझ के टीचर को इनपुट दे भाई इतना लोग है तुम्हारे पास हाउ आर यू गोइंग टू कैटर दे एंड गिव हिम और हर दैट कैपेबिलिटी पेरेंट्स हो या टीचर हो स्कूल हो इंस्टीट्यूशन हो ये गैप ब्रिज कर सकेंगे ना द नेक्स्ट जनरेशन कैन बी ऑफ वेरी मच हेल्प आई डोंट थिंक देयर इज वन कंपनी दैट इज डूइंग वर्क मे बी देयर आर 4-5 कंपनीज दे माइट हैव टू कम टुगेदर एंड सब लोग ना छोटे छोटे हिस्सा कर रहे हैं सारे मिलके एक साथ नहीं कर रहे हैं मैं एक बंदा कर लिया मैं इस पे कर रहा हूँ मैं उस एस्पेक्ट पे कर रहा हूँ मैं दूसरे एस्पेक्ट पे कर रहा हूँ बट सारे मिलके एक साथ एक फ्रंट लेके करेंगे एक साथ करना थोड़ा मुश्किल भी होगा क्योंकि बेटर वही होगा कि हर कोई अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व करे ताकि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए और एंड वो सब में एक साथ आना चाहिए अलग अलग कर सकते हैं बट एक साथ सॉल्यूशन देंगे तो होगा हाँ जी मुझे ऐसा लगता है कि फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू इफ यू टॉक अबाउट एडटेक लाइक अभी तक जो एक बड़ा मतलब इतने सारे स्कूल्स इतने सारे इंस्टीट्यूट और इतने सारे कॉलेजेस होने का एक रीजन था कि सब दे ओनली हैड सो मच स्पेस टू फिल लाइक अगर मेरे पास में 120 स्टूडेंट का स्पेस है तो मैं खींच खाच के 130 स्टूडेंट्स का एडमिशन दे सकता हूँ ज्यादा को नहीं दे सकता और मेरे पास टीचर भी उतना ही है पढ़ाने के लिए मेरे पास क्लासरूम भी उतना ही है बट एडटेक ने वो वाला गैप भी ब्रिज कर दिया है कि अब मैं एक ही क्लास के अंदर 500 स्टूडेंट्स को भी पढ़ा सकता हूँ मैं एक ही कोर्स को मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स को बेच सकता हूँ और दूसरा अगर रिकॉर्डेड कोर्सेज की बात करें तो वो तो साल दर साल एक ही कोर्स कम से कम 3-3, 4-4 साल तक चल सकता है जब तक चैप्टर चेंज नहीं होता है तो समहाउ मार्केट के अंदर नंबर ऑफ प्लेयर्स कम हो जाएंगे मुझे ऐसा लगता है लाइक राइट नाउ बायजूस एंड अनअकैडमी आर द बिगेस्ट टू प्लेयर्स उसके बाद में बाइक चल रहा है और 2-3 और प्लेयर हैं जो मार्केट को कैप्चर कर रखे हैं बट थोड़े साल बाद में जब हर स्कूल सोचेगा कि हमारा एडटेक प्लेटफॉर्म हो देन इट इज नॉट गोइंग टू वर्क लाइक एवरी स्कूल कैन नॉट प्रोवाइड दैट फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगा उस पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा और हर स्कूल उतना अच्छे से टीचर्स को ट्रेन भी नहीं कर पाएगा कि आप एडटेक को इस तरीके से यूज कर पाओ सेकेंड पार्ट जो मुझे लगता है जब ये वाला प्रॉब्लम आना स्टार्ट होगा तो प्लेयर्स लाइक बायजूस इम्बाइब एंड दिस अनअकैडमी विल टेक एडवांटेज ऑफ इट वो अपने सेल्स पर्सन को डेफिनेटली हर घर के अंदर भेज ही चुके हैं ऑलमोस्ट
वो भेज देंगे कि आप ठीक है इस स्कूल से हमने टाइप कर लिया है, अब इस स्कूल में आपको हफ्ते में एक दिन या दो दिन भेजने की जरूरत है, बाकी टाइम हम पढ़ाएंगे आपके बच्चे को, हम आपके बच्चे को ऑनलाइन क्लास देंगे, वहां पर जाकर के हमारा एक टीचर आएगा, वो 2 घंटे आपको पढ़ा देगा। सो समहाउ दिस इज हाउ फ्यूचर इज गोइंग टू बी, बायजू विल अक्वायर ऑलमोस्ट ऑल द स्कूल्स। Sorry, there was some disturbance on my screen. So they did with Akash. It may be the partnership pattern or the vendor pattern that schools will become vendors for Byju's and an academy. But from business point of view, I think this is going to happen, that there will be less players in the market and less competition. Only one player can solve many problems at one place. मुझे पर्सनली तो आज के आई एम नॉट श्योर अबाउट 10 years बट 20 years डाउन द लाइन तो मेरे को दिखता है कि मेटावर्स होना चाहिए, कि मतलब ये मेरे दिमाग में बहुत पहले से है कि शायद ये चीज प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगी, कि आपने कुछ पहन लिया या एक टीचर क्लास में बैठा है, वो घर पे ही बैठा है अपने, लेकिन पूरा क्लासरूम या स्टूडियो बना के, और एक स्टूडेंट ने वो सब जो भी मेटावर्स के लिए जरूरत होती है वो पहन लिया, एंड ही इज फीलिंग कि सामने टीचर भी पढ़ा रहा है और बाजू में मेरा दोस्त भी बैठा है, एंड टीचर भी सबको देख पा रहा है, बट है जो फिजिकल स्पेस है सब अपने अपने घर पर ही है, बट मेंटली यू आर इन द क्लास। सो एक वो चीज मुझे लगती है, ये बहुत आगे का थॉट है कि यार ये 20 years डाउन द लाइन मुझे लगता है कि ये चीज एक पॉसिबिलिटी है, जहां पे आप एडटेक के अंदर आप इतना आगे चल गए कि आप एकदम फील होना ही बंद हो गया कि यार क्लासरूम क्या है और घर क्या है और वो क्या है, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी में इतने आगे चले। अदर देन दैट, अगर मैं नियर फ्यूचर की बात करूं तो उस केस में मुझे पर्सनली यही लगता है कि यार एडटेक्स जो है, मतलब ये जो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे ब्रिज प्रोवाइड कर रही है स्कूल्स के अंदर, अभी स्कूल के अंदर जैसे पंकज ने कहा कि यार वो अपना प्लेटफॉर्म नहीं अफोर्ड कर सकते, लेकिन एवरी स्कूल इज गोइंग टू टाई अप विद वन और द अदर एडटेक, that's what I feel and that's what it is happening also. So वो जो है वो खुद का platform नहीं बनाएंगे, and ये सारे कुछ कुछ edtech जो है वो B2B करेंगे, कि वो schools को platform जो है वो उन्होंने बना लिया, same platform provide कर रहे हैं उनको, and उनके teachers उधर जाके पढ़ा रहे हैं, not on Zoom और Google Meet, not on this, पूरा उधर ही platform है, सब कुछ उधर ही है, तो उस तरीके से काम होगा, और उधर बहुत सारी चीजें उनको equip किया भी जा रहा है कि यार ये चीज आपको कोई diagram है तो आपको बनाने की जरूरत है, यू जस्ट हैव अ डायग्राम, तुम क्लास में जाओ या तो प्रोजेक्टर पे शो करो डायरेक्टली, या फिर प्रोजेक्टर पे नहीं शो करना है, क्लासरूम नहीं है अगर ऑनलाइन पढ़ा रहे हो तो, उस तरीके से। तो मुझे नियर फ्यूचर तो लगता है कि यार ये हाइब्रिड चीज वर्क करेगी। हाँ, बच्चे के परस्पेक्टिव से मैं बात करूं तो बच्चे को मुझे लगता है जब जितना छोटा हो ना उसको थोड़ा सा डिसिप्लिन वाला पॉइंट से इधर जो है उधर यू नीड फिजिकल समथिंग समथिंग और द अदर, की कोई ना कोई होना चाहिए डंडा मारने के लिए वरना नहीं कर सकते, नहीं हो सकता बच्चों के साथ में, क्योंकि बाय डिफॉल्ट दिमाग के पास जब ऑप्शन ज्यादा होते हैं, मैं बहुत बार बोलता हूँ लोगों को कि एक्चुअल में ऑप्शन ज्यादा होना भी आपके एक मेंटल इम्बैलेंस का कारण हो सकता है, या फिर जैसे बोलते डिस्ट्रैक्शन या फिर कुछ भी बोल लो उसको, मेंटल अनस्टेबिलिटी, या फिर वो डिप्रेशन तक भी लीड कर सकता है। मतलब आज के 50 साल पहले किसी के पास ऑप्शन नहीं था, यही 2-4 काम है वही करने हैं, बट उधर तुम ये देखो कि मेंटल डिसऑर्डर इतने ज्यादा नहीं होता था। द मोर ऑप्शंस यू हैव तो आप चूज करने में, नॉर्मल सी बात कर लो यार, स्विगी पे आज की तारीख में चूज करने में मेरे को 10 चीजें लगती है कि यार ये खाएं कि नहीं खाएं। पहले दो लोग ऑर्डर करते थे, पिज्जा हट और डोमिनोज, तो अगर बाहर से आएगा तो इट वॉज लाइक कि इन दोनों से मंगवाना है, सिर्फ पिज्जा आएगा तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, उनके मेन्यू में गिनती के ऑप्शन है। आज की तारीख में मैं मतलब आधे घंटे फूड ऑर्डर करने में लग जाता हूँ कि यार ये तो कल ही खाया था या ये इस वीक हो गया चलो कुछ और खाते हैं। सो वो ये छोटी सी बात है, लेकिन जितने ज्यादा आपके पास ऑप्शंस होंगे ना वो वैसे आपके लिए अच्छे हैं कि यार आपके पास ऑप्शंस ज्यादा है, आपके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है, लेकिन ये एक पॉइंट से लेवल, मतलब हर चीज का मुझे लगता है बैलेंस होना जरूरी है, तो उधर ही मुझे लगता है कि एक राइट बैलेंस जो है वो एक्वायर करेगा ऑनलाइन और ऑफलाइन मिक्स करके, तभी ये वर्क कर सकता है, वरना एक चीज आज की तारीख में तो काम नहीं करेगी। दैट इज फॉर श्योर। मेटावर्स वाले पॉइंट के लिए मैं ऐड करना चाहूंगा, अगर इफ यू हैव सीन ब्लैक मिरर ऑफ नेटफ्लिक्स, तो उसमें एक एपिसोड था डैनियल कार्लुए जिसमें लीड था,
वो एपिसोड वॉज अबाउट द मेटावर्स एंड दिस एग्जैक्ट थ्योरी यू टॉक्ड अबाउट दैट योर रूम्स विल बी क्रिएटेड लाइक दिस और यू विल हैव सम हेडपीस लाइक थिंग्स. देर वॉज सम ऑडिशन गोइंग ऑन, तो उस ऑडिशन के अंदर ओनली 3 जजेस और जो ऑडिशन देने वाला इंसान है वो रियल रूम में होते हैं, उसके अलावा बाकी की ऑडियंस अपने घर से बैठी हुई है. अब जजेस के पीछे बहुत सारे एनिमेटेड लाइक फीचर्स हैं, तो वो एक्चुअल में वो ऑडियंस है जो क्या कहते हैं घरों पे बैठी है. वो अगर शोर मचाएंगे तो वहां पर उनका एनिमेटेड फीचर शोर मचाएगा, वो अगर बू करेंगे तो उनका एनिमेटेड फीचर बू करेगा, देन दे विल वोट फॉर देम. यहां पे उनको साइकिल चला के पैसे मिलते हैं. So this might happen and this will eventually happen because metaverse, we have already started talking about metaverse. तो लोगों ने बहुत सारी चीजें लॉन्च भी कर दी ऑनलाइन, लोग शादी करने लग गए मेटावर्स के अंदर. तो पढ़ाना तो ठीक है बहुत, मेरे को लगता है will be the next thing which will happen in metaverse. हाँ मतलब क्या बात कर रहे हैं, अंकुश ने बोला था अभी नियर फ्यूचर के लिए देखेंगे तो मिक्स ऑफ ऑनलाइन ऑफलाइन आएगा. देखो ऐसा हो जाएगा कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी डायरी में कोई घुस नहीं सकता क्योंकि वो सेट हो गया है, तो ये भी स्लोली ऐसा हो जाएगा. 3-4 प्लेयर हैं वो लोग कैप्चर करेंगे पूरा मार्केट, और जो छोटे छोटे प्लेयर हैं उस शहर में या जो छोटे स्कूल है जो अफोर्ड नहीं कर सकेंगे वैसा दैट विल बी रिमेन. बट ये जो मिक्स ऑफ ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन टीचिंग ही आएगा. मेटावर्स का कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगा, डिफरेंट, पहले बार सुन रहा हूँ मैं. बट ऐसा होगा ना, मतलब टीचर पढ़ा रहा है भाई बोर्ड नहीं, सब लोग अपना अपना देख लो अपना स्मॉल पे, देखो ये कस्टमाइज. मतलब मैं जो बोला ना कस्टमाइजेशन फॉर ईच स्टूडेंट दैट इज वेरी मच पॉसिबल. अब देखोगे लाइक यू नो इफ यू जस्ट लुक इनटू द ओल्ड गुरुकुल सिस्टम जो था, गुरुकुल सिस्टम में ये होता था कि जो गुरु है हर स्टूडेंट को अपना नेचर के हिसाब से जानते थे और उसके हिसाब से उसको टास्क होते थे. ऐसा नहीं कि भाई तुम ना सारे लोग फर्स्ट क्लास पास होना ही है अभी, ऐसा नहीं होता. Everybody has a different यार, और सब लोग अलग अलग बनते थे. कुछ लोग बनते थे, कुछ लोग राजा के लोग होते थे, वो लोग जाके फिर रूलिंग करते थे. कुछ लोग ब्राह्मीण लोग होते फिर पूजा वूजा करते थे. कुछ लोग होते थे भाई मना मुझे बिजनेस करना है तो बिजनेस पे जाते. तो everybody had different inclinations and everybody's inclination was catered to. कुछ बेस सिलेबस होता है भाई तुमको ना इतना तो पढ़ना, तो सबको मैथ्स आना चाहिए, सबको बेसिक आना चाहिए, बट उसके ऊपर जो है ना सब अपने अपने तरफ से वो गाइडेंस नहीं मिल रहा आजकल. सही बात, बिल्कुल सही. I agree, bilkul. I think you can bring that into picture. I think it will be a great, great thing. Personalized education is the key, is what I feel. कस्टमाइजेशन बेसिकली जो हर फील्ड के अंदर हम लोग कह रहे हैं कि सब कुछ कस्टमाइज होता जा रहा है धीरे धीरे करके, जूतों से लेकर के चश्मे से लेकर एवरीथिंग. So I guess that's it for now. Anything to add, guys? No, I guess we have. Okay, so we have covered our knowledge in this. चलो ठीक है, तो रुकते हैं यहाँ पे.